उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य कराने की प्रक्रिया बरकरार है। आज फिरोजाबाद में सदर विधायक मनीष सजीजा द्वारा रहना रोड पर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष सजीजा के साथ क्षेत्रीय लोग और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस कार्य की लागत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं विधायक मनीष सजीजा का कहना है कि जो सड़क बनाई जाएगी वह पूरे मानक के साथ बनाई जाएगी। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही मिली तो ठेकेदार व इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रैना की पुलिया से और लालू तक जो है भावके नगला की तरफ से होते हुए ये सड़क जो है ये पहले ग्रामीण क्षेत्र में PWD की सड़क थी और वर्तमान में ये नगर निगम में आ गई। लेकिन लंबे समय से इसकी लगभग 2.5 किलोमीटर की रीच है और ये सड़क कई जगह पर टूटी फूटी है, कई जगह यहाँ पर जल भराव की समस्या भी है। तो लगभग 40 लाख रुपये का ये टेंडर है, इसमें से लगभग 300 मीटर का टुकड़ा तो RCC का बनेगा, बाकी का जो हिस्सा है वो डाबर का बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बता, ये PWD से काम हो रहा है। मैं यहाँ पर मेरे क्षेत्रीय पार्षद हैं, क्षेत्रीय नागरिक हैं, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं, हमारा सबका कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के पैसे से होने वाला काम है, इसमें उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। उच्च गुणवत्ता का मतलब उच्चतम गुणवत्ता है, कहीं कोई शिकायत आने पर उस ठेकेदार के विरुद्ध या यहाँ पर जो ड्यूटी पे इंजीनियर होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, अपेक्षा है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। यह सड़क बनने के बाद ये पूरा एक संपर्क मार्ग है, इस आप देखते कई मोहल्ले इससे लगे हुए हैं, इससे यहाँ का आवागमन सुगम होगा। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी और अपने उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के जो मेरे माननीय मंत्री जी हैं आदरणीय केशव मौर्य जी, जिनके सहयोग से हमें ये सड़क स्वीकृत हुई है, इस काम के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्षेत्रीय जनता से निवेदन करता हूँ काम की गुणवत्ता को देखें परखें, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आने में तुरंत सूचना करें।